नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ESR टेस्ट के बारे में। ESR टेस्ट या फिर एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट, हम बात करेंगे कि ये किन किन बीमारियों में बढ़ता है। ESR टेस्ट ट्यूबरक्लोसिस या क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस में बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, जैसे कि CRP या हीमोग्राम या ESR। ये इन्फ्लेमेटरी बायोमार्कर्स होते हैं, जहाँ भी शरीर में इन्फ्लामेशन होता है ये टेस्ट बढ़ के आते हैं, या फिर ये टेस्ट उम्र के साथ भी बढ़ सकते हैं, मासिक धर्म के समय बढ़ सकते हैं, या फिर ये प्रेगनेंसी के दौरान भी बढ़ सकता है। ये नॉर्मल क्राइटेरिया होते हैं, 3 कंडीशंस में ये अपने आप नॉर्मल भी बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। फीमेल की बात करें तो ये 20 से 30 mm पर हार्स होता है। अगर हम मेल के लिए बात करें यानी किसी पुरुष के लिए बात करें तो ये 15 से लेकर के 20 mm पर हार्स होता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो ये 3 से लेकर के 13 mm पर हार्स होता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जिनकी वजह से ESR बढ़ सकता है, जैसे कि मिथाइल डोपा, विटामिन ए या फिर गर्भ को गिराने वाली दवाइयां जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी मेडिसिन लेने पर ESR आपका कम आ सकता है, जैसे कि एस्पिरिन या फिर स्टेरॉइड्स दवाइयां लेने से ESR कम आ सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।